अंतरराष्ट्रीय मार्ग के न बनने से व्यापारियों में आक्रोश। जहां एक ओर मोदी सरकार अपने किए हुए कार्यों का गुणगान करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर न जाने कितने कार्य अभी अधूरे ही पड़े हुए हैं। और इसी के चलते इंडो नेपाल सीमा गौरी फटा में मार्गों की हालत ऐसी जर्जर हो चुकी है कि पूछिए मत। यात्रियों को यदि सफर करना पड़ जाए, चलो अब हो गया, बड़ा साहब आ रहा है, निकल बोलो। ये देखिए सर, ये रोड ऐसे खराब है पूरी। देखिए अब ये दो फुट की है, दो फुट में क्या गाड़ी चलेगी। देखो कितने टैंकर, नेपाल के टैंकर कितने यहाँ से पलट गई, ट्रक कितने पलट गई, सामान की ट्रक। हम बहुत परेशानी है रोड से। और योगी जी की सरकार ने गड्ढे भी चेंज करे, गड्ढे को भी भरेंगे बोल रहे थे, गड्ढे भी नहीं भरे। हम ये रोड से इतना परेशान है कि बहुत परेशान है सर। टैंकर चालक है सर, ये रोड की वजह से हम परेशानी है सर। पलिया से आधे घंटे में पहुंचने वाला ये रोड है, तीन चार घंटे लगते हैं सर। कितनी गाड़ी पलट गई सर यहाँ, कितने का टायर पड़ गया सर, कितने का माल नुकसान हो गया सर, लाखों का नुकसान हो गया। ये गड्ढे भी भरेंगे करके बोले थे मोदी सरकार, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर, कुछ सुनाई नहीं हुई, कुछ लेखा पड़ी हुई थी सर, कुछ सुनाई नहीं हुआ सर। इस रोड की वजह से हम परेशान हैं सर।